आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। क्या एम पॉकेट एप्लीकेशन आपका जिंदगी बर्बाद कर देगी अगर आप लोग इसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या आप लोग के साथ होने वाला है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं अगर आप लोग इसका लोन डिफॉल्ट कर दिए हैं तो आप लोग को क्या स्टेप फॉलो करना होगा इनसे बचने के लिए, क्या आप लोग का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपको हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन, इस फर्जी एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली। ये फर्जी एप्लीकेशन नहीं, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आरबीआई का इसके पास लाइसेंस भी है, पर फिर भी ये एक फर्जीवाड़ा वाला काम कर रही है, चाइनीज एप्लीकेशन जैसा काम कर रही है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग ने मान लीजिए इससे 10,000-20,000 लाखों का लोन लिया है, उसका एक ईएमआई दिया, दो ईएमआई दिया, या फिर एक भी ईएमआई नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो इस केस में आपको सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप लोग मान लीजिए सबसे पहले आप लोग को लग रहा है कि आप लोग इसका लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं, पहले उनकी बात करने वाले हैं जिसका लोन लग रहा है कि उनको लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले ऐसा अगर लग रहा है तो सबसे पहले कंपनी को मेल लिखे, कंपनी को मेल लेके उसमें अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो बताएं आप उनको, और उनसे अपना वक्त मांगे। जितना आप लोगों को टाइम चाहिए उस हिसाब से आप लोग वक्त मांगिए, उनसे वक्त मांग करके देखिए, अगर वो वक्त देते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आपके पास एक ये भी रहेगा, प्रूफ रहेगा कि आप लोग ने उनसे टाइम मांगा था। बस ये आपको पहले करना है। और जो डिफॉल्ट कर चुके हैं उनको भी सेम काम करना है। अब तो कर चुके हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते, आपको भी ये सेम काम करना है। आप लोग ये सेम काम कीजिए, उनको एक ईमेल लिखिए, और ईमेल अगर कैसे लिखना है वो आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में आके बताइए, क्या आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या हम लोग एक नंबर निकाले आप लोग के लिए कि आप लोग को एक सपोर्ट की तरह से हम लोग सपोर्ट कर सके आपको कॉल पे करके, या आप लोग को ईमेल लिख करके हम लोग दे दें। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं, आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। आप बात कर ले, आप लोग ने ईमेल लिख लिया, आपके पास एक प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग ने ईमेल लिख लिया, वो एक आपका सेफ साइट था। अब ये लोग क्या क्या करते हैं, एनबीएफसी एप्लीकेशन जो है ये एम पॉकेट एप्लीकेशन, वो आप लोग के साथ क्या करेगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप लोग लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो ये आप लोग को कॉल और एसएमएस करना बहुत स्टार्ट कर देगी। जैसे ही आप लोग इनका लोन डिफॉल्ट करते हैं आप लोग को दिन रात आप लोग को कॉल आना लगेगा, दिन रात कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, आप लोग इतने परेशान हो जाएंगे, इनका कॉल आता रहेगा, इनका एसएमएस आता रहेगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को इनका जितना भी नंबर आता है उसको ब्लॉक करते जाना है, बस कॉल जितना आएगा उसको ब्लॉक कर दीजिए, खत्म कीजिए। क्योंकि आप लोग ने एक ईमेल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कंपनी को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अगर आप लोग के पास पैसे है, जेन्युइनली अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनका रिपेमेंट करके खत्म करें, क्योंकि ये फालतू का 5,000-10,000-20,000 के लिए आप लोग अपना सिविल खराब नहीं करें। सिविल आपको अच्छा रखना है, सिविल खराब होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो एक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए, उस पर भी हम लोग एक वीडियो ला देंगे। ऐसे सिविल खराब हो जाए तो भी ठीक हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये 5,000-10,000-20,000 के लिए आप लोग अपना सिविल क्यों खराब कीजिए। तो ये लोग जान रहे हैं कि आप लोग 5,000-10,000 के लिए सिविल खराब नहीं करेंगे, फिर भी ये लोग डराना स्टार्ट, उसी पे आप लोग को ये डराना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग को खूब एसएमएस और कॉल आने लगेगा, उसका मैंने आपको उपाय बता दिया कैसे आपको उसको हैंडल करना है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, दूसरा ये लोग क्या करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, क्योंकि एनबीएफसी एप्लीकेशन को आरबीआई ने सख्त मना किया गया है कि आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पे इनको कॉल नहीं करेंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इनका कोई भी प्राइवेसी एक्सेस नहीं कर सकते, पर फिर भी ये एप्लीकेशन अपना मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है, जिसके कारण कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप लोग के कॉल जा रहा है। तो ये लोग आपको 500,000-10,000-20,000 इतने अमाउंट के लिए भी आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो मैं एक पॉइंट में भूल गया, स्टार्टिंग में क्या करते हैं ये लोग, जैसे आप लोग लोन डिफॉल्ट करेंगे वैसे ही आप लोग का ये लोग पेनल्टी अमाउंट बहुत बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपका 500 का लोन है तो वो पेनल्टी अमाउंट ऐड करके वो 2,000-3,000 का लोन कर देंगे, और वही आपका अगर 5,000 का लोन है तो आप लोग समझिए कितना पेनल्टी अमाउंट ये लोग बढ़ा देते हैं। ये लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी आई है 2024 में
कि आप लोग 1 जनवरी 2024 से आप पेनल्टी अमाउंट नहीं बढ़ा सकते। पेनल्टी अमाउंट एक मान लीजिए 500 हजार हो, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, पेनल्टी अमाउंट नहीं बढ़ा सकते, आरबीआई ने ये कहा है। पर ये लोग कहाँ सुनने वाले, ये लोग पेनल्टी अमाउंट बढ़ाते ही रहते हैं। अगर आप लोग को इनका रिपेमेंट करना है कि कैसे रिपेमेंट किया जाए, कैसे इनसे सेटलमेंट किया जाए, तो उसके बारे में भी अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, हम लोग उस पर तुरंत वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ये बात हुआ, आप लोग को इनका आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करें। तो आप लोग को ये सिंपली क्या करना है, अगर आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ऐसा ऐसा कॉल है तो आप लोग को भी क्या करना है वो स्टेप सुन लीजिए। अगर आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर कॉल आता है तो आप लोग को सिंपली अपने जिस जिस को आपको कॉल जा रहा है, या फिर आप लोग एक स्टेटस लगा लीजिए व्हाट्सएप पे, उसमें बोलिए कि ये जो मेरा मोबाइल है वो हैक कर दिया गया है, और उसके कारण जो ये जो भी हैकर है वो आप लोग को ऐसा ऐसा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि मैंने उससे लोन लिया है। तो आप लोग प्लीज ऐसा कोई भी कॉल आए तो उनको झाड़ के कट कर दीजिए या फिर उनको ब्लॉक कर दीजिए, ऐसा कुछ स्टेटस आप लोग को लगा देना है। तो आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपको कॉल आ रहा है, उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तीसरा ये लोग क्या करते हैं, आप लोग के घर नोटिस भेजना स्टार्ट करते हैं। नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस का आप लोग क्या, उस नोटिस में क्या लिखा रहेगा सुन लीजिए। उस नोटिस पे लिखा रहेगा कि आप लोग के सेक्शन 138 का उल्लंघन करके सेक्शन 38, 28, 25 ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, उसका उल्लंघन करके आप लोग ने उसका उल्लंघन किया है, उसके अगेंस्ट आप लोग के ऊपर केस होगा, ऐसा ऐसा उस पर लिखा रहेगा। तो क्या ये सच में केस होगा या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन अभी तक केस नहीं, कोर्ट नहीं गई, वो भी 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 के लोन पे तो और नहीं जाने वाली है। इतना आप इतना से अमाउंट के लिए कभी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन गई नहीं है, तो ये भी एप्लीकेशन नहीं जाएगी। अब इस लीगल नोटिस का आप लोग को क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या आप लोग को उनको मेल करना होगा, क्या आप लोग को इनको कुछ रिप्लाई करना होगा, कुछ रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको नोटिस आए तो फाड़िए, डस्टबिन में फेंक दीजिए, जला दीजिए, जो करना हो वो कर दीजिए, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, ये आप लोग जान लीजिए। उसके बाद ऐसे ही नोटिस आप लोग को महीने में 5 बार 6 बार ऐसे भेजें। अब जो लास्ट ऑप्शन, तो आप लोग को ऐसे ही सेम काम करना है। अब जो लास्ट ये लोग का क्या है, रिकवरी एजेंट, जो आप लोग का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि रिकवरी एजेंट आएंगे, अगर आएंगे तो क्या करना है। तो रिकवरी एजेंट पहले समझ लीजिए कि अगर आप लोग शहर में हैं तो आप लोग के घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, वहीं अगर आप लोग का घर गांव में है, विलेज में है, तो आप लोग के घर बहुत कम चांसेस है कि रिकवरी एजेंट आएंगे, ना के बराबर आपके घर रिकवरी एजेंट आएंगे। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि गांव में रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, शहर में आसान है रिकवरी करना, क्योंकि डरा धमका के लोग से रिकवरी कर सकते हैं हम लोग। तो शहर वालों को क्या करना है, गांव वालों को में तो आएगी नहीं, अगर उनको भी सुनना है तो वे सुन ले। शहर वालों को या फिर रिकवरी एजेंट आपके घर जब भी आते, कब आते हैं वो 8 महीने, जैसे लोन डिफॉल्ट होता है उसके 3 महीना 4 महीना बाद रिकवरी एजेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को इनसे कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे आप लोग को रोकना है। तो जब भी आप लोग के रिकवरी एजेंट आए आप लोग के घर, तो 3 सवाल उनसे पूछे। 3 सवाल, आप लोग के पास DRA है, मतलब आप लोग ने डेथ रिकवरी एजेंट का एग्जाम दिया हुआ है, दिया है तो ठीक है, दिखाइए वो। दूसरा, आप लोग एम्प्लॉय आईडी देख बताइए कि आप लोग जो इस कंपनी से आए उसका एम्प्लॉय आईडी दिखाइए, आपका एम्प्लॉय आईडी है या नहीं है, क्या आप लोग फर्जी है। तीसरा, आप लोग उनसे मांगिए ऑथराइज लेटर, क्या आप लोग को ऑथराइज मिला हुआ है कि घर जाके आप लोग रिकवरी कर सकते हैं। अगर ये तीनों वो चीज दिखाते हैं, 100% चांस है कि वो लोग नहीं दिखाएंगे। फिर भी अगर वो लोग दिखा देते हैं तो आप लोग को वही ईमेल दिखा देना है जो आप लोग ने पहले दिखाया है, मेल किया हुआ है कंपनी को कि देखिए यहाँ मैंने 6 महीने का वक्त मांगा, आप 6 महीना बाद आइए, अदरवाइज मैं कोई भी रिपेमेंट आपको नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास जब पैसे है ही नहीं। मैंने बता दिया कंपनी की, जब मेरे पास हैसियत नहीं है अभी पैसा देने की, मतलब मेरे पास अभी कंडीशन वो नहीं है कि मैं अभी पैसा वो दे सकूँ, तो मैं अभी कैसे दे सकता हूँ पैसा। आप जितना लोग कॉल कीजिए या घर आइए, कैसे मैं दे दूँ, मुझे आप काम करने दीजिए, मुझे आप लोग मेंटली हैरास नहीं कीजिएगा तो ही मैं आपका रिपेमेंट कर पाऊंगा, ऐसा आप लोग को बोलना है। कोई भी आदमी जब मेंटली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो, तभी वो आगे काम करेगा, ऐसा आप लोग स्टेटमेंट देना।